हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ धमेरा घाटी। हमारे इधर से और कुनकुरी क्षेत्र से जो लोग भी जसपुर जाएगा उसके लिए 10 किलोमीटर कम पड़ेगा धमेरा होकर के जाएंगे तो, और लोरो होकर के जाते हैं कुनकुरी से 10 किलोमीटर ओवर पड़ता है। वो रोड अभी बन गया है पूरा सीसी रोड, तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और इधर देख सकते हैं एक नदी है, यहाँ भी पुल नहीं है, फिर भी मैं पार करके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं और आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से धमेरा घाटी को दिखाऊंगा। वहाँ पर एक मंदिर भी है और पिकनिक भी जाते हैं वहाँ लोग, पूजा पाठ भी करने जा सकते हैं और आते जाते रहते हैं, पिकनिक स्पॉट है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को लेकर के जाता हूँ और वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी निकल गया हूँ धमेरा घाटी की, और इधर देख सकते हैं किसान भाई ने जबरदस्त खेती किया हुआ है यार। और इस साइड भी है, तो यहाँ तो अभी कच्ची रोड है, जस्ट आगे 20 मीटर सीसी रोड बनाया गया है, उसी में हम लोग अभी चढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग को पड़ेगा बसपत्रा चौक को भी आप लोगों को दिखाऊंगा, फिर चरेडाड़ के बाद में धमेरा जाने वाला रास्ता अपन लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पर बने रहिए, बहुत ही जल्द धमेरा घाटी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इधर देख सकते हैं यार दोस्तों, यही है बसपत्रा गाँव, इधर देख सकते हैं, और आगे आप लोगों को चर्च देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा बस्ती है ये बसपत्रा। बाकी दोस्तों, ये है चर्च बसपत्रा का, ये देख सकते हैं। अभी मैं चरेडाड़ इंटर कर चुका हूँ और आगे NH रोड मिल जाएगा। इधर देख सकते हैं दोस्तों, ये NH रोड, बाकी आगे जा कर के हम लोग कट जाएंगे धमेरा रोड की तरफ। बस यहीं से हम लोग को घुसना पड़ेगा धमेरा। दोस्तों यार, हम लोग अभी उस चौक पहुंच गए हैं जहां पर हम लोग को राइट टर्न लेना पड़ेगा धमेरा घाटी के लिए, और इस रोड में सीधा काला रोड में जाएंगे तो बगीचा की ओर ले जाएगा। तो हम लोग राइट टर्न अभी कट गए हैं, उसके बाद में आगे वाला गांव का नाम है जोगी मारा। तो चलिए आप लोगों को, दोस्तों यार यहां पर देख सकते हैं खूबसूरत सा तालाब, और तालाब के आगे वाला बस्ती है दोस्तों जोगी मारा। हम लोग अभी पहुंच ही गए हैं, बाकी महदेश्वरी पहाड़ को आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी दूर दिखाई दे रहा है अभी। तो यही वाला बस्ती है जोगी मारा, इसी बस्ती को कहते हैं। यार मैं 2021 के बाद में आज आ रहा हूँ इस रोड पर। जब मैं आया था तब ये सब रोड नहीं बना हुआ था, फिर भी अभी भी डामरीकरण नहीं बना हुआ है, केवल घाट बना हुआ है। तो आप लोग को दिखाऊंगा, बहुत ही जल्द पहुँचने वाले ही हैं हम लोग। दोस्तों यार, यहाँ पर बड़ा सा पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, बाकी हम लोग नीचे ड्राइवेशन रोड बना हुआ है उसी में जाएंगे अपन लोग। ड्राइवेशन से नीचे पुल बन रहा है, और ड्राइवेशन रोड जो बनाया गया है उसके ऊपर में पानी पार होता हुआ आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। ड्राइवेशन रोड नहीं है दोस्तों, ये जो पहले का रोड बना हुआ था वही वाला है, इसके नीचे में जस्ट बन रहा है ये पुल। बाकी हम लोग अभी धमेरा इंटर कर ही चुके हैं, इधर देख सकते हैं बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसी पहाड़ को महदेश्वर पहाड़ भी कहा जाता है, हमारे जसपुर जिले की फेमस पहाड़ है ये। पहाड़ को चढ़ेंगे तो जसपुर का नजारा दिखाई देता है ऊपर से, काफी जबरदस्त व्यू लग रहा है यार। आप लोग देख पा रहे होंगे इधर जंगल, पेड़ पौधे ही देखने के लिए बहुत ही ज्यादा मिलेगा।
ये दोस्तों पहले बहुत खतरनाक घाटी हुआ करता था, जो कि गाड़ी चढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कत होता था। अब तो ये रोड बन चुका है, आगे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वहाँ से सीसी रोड प्रारंभ हो जाता है और पूरा दमेरा मंदिर तक ये रोड को बनाया गया है सीसी रोड, उसके बाद में मेन रोड मिल जाएगा। काफ़ी मोटा ढलाई किया हुआ है, इधर देख सकते हैं, और इस साइड का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। ये सब में पहले बहुत बड़ा बड़ा कंकड़ हुआ करता था। काफी जबरदस्त रोड बन गया है ना। पहले ना इसमें इतना बड़ा बड़ा कंकड़ था जो कि गाड़ी ऊपर साइड से उतारने के लिए बहुत दिक्कत होता था, और स्कूटी वाले तो पूरा ना आगे डबल टेबल उतारने के लिए नहीं बनता था, और इसमें भी बाइक वाले टेबल तो नहीं चढ़ता था गाड़ी, इतना टफ था ये घाट। अभी तो बहुत सुधार हो गया है, फिर भी कम चढ़ाई है, देखो ना है। चलो काफी जबरदस्त से ना दोस्तों, इतना ऊपर हम लोग चढ़ गए हैं फिर भी से यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। देख रहे हैं आप इधर से भी पानी लगातार बहते हुए, पानी ऊपर साइड से आ रहा है। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अच्छे से। इधर देखिए यार, गर्मी के दिनों में भी यहाँ पर पानी मिल जाता है ऊपर में। आधा से अधिक घाट हम लोग अभी चढ़ चुके हैं, और इस घाटी का नाम है दोस्तों दमेरा। पहले बिल्कुल ये रोड सब पूरा बना नहीं था, और अभी पूरा सीसी रोड बना के कंप्लीट हो गया है। चलिए आप आगे की ओर बढ़ते हैं। यह है दोस्तों लास्ट वाला घाट, इसके आगे मंदिर मिल जाएगा, ये घाट को जब चढ़ जाएंगे तब। बड़ी डेंजर घाट है दोस्तों, इधर देख सकते हैं आप लोग, और हम लोग चढ़ चुके हैं अब। तो देखिए यार, पूरा शानदार व्यू। घाट अभी समाप्त हो चुका है, दोस्तों यार देख सकते हैं इतना ऊपर से पानी आ रहा है किस प्रकार से, उसको काफी रफ्तार से आ रहा है, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं अच्छी तरह से। अभी हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। ये है दोस्तों शिव जी का मंदिर, दोस्तों यार नया साल के दिनों में यहाँ पर बहुत सारे लोग पिकनिक के लिए आते हैं। पानी का भी फुल सुविधा है यहाँ पर, और मंदिर को तो आप लोगों को दिखा ही दिया,
चलिए आप लोगों को जहाँ ऊपर साइड से पानी आ रहा है उधर का भी एक व्यू छोटा सा मैं दिखाता हूँ। दोस्तों यार ये बजरंगबली जी का मंदिर है और अभी बंद है गेट, कोई भी नहीं है। बाकी इस साइड देखते हैं ये कौन सा मंदिर है। ये देखिए दोस्तों ये भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, इधर देख सकते हैं। और जस्ट इसके बगल में ही बजरंगबली मंदिर है और इस साइड में नदी बहता हुआ, काफी जबरदस्त सा सीन लग रहा है यार। आप लोग यहाँ पर पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं। बाकी यार इतना तेज रफ्तार से पानी नीचे की ओर बह रहा है, आप लोग देखिए काफी जबरदस्त सा सीन। ऊपर साइड से ये पानी आता हुआ, केवल दोस्तों ये बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा पानी आता है, उसके बाद एकदम कम हो जाता है यहाँ पर पानी। और हम लोग इधर ही जाएंगे अभी नीचे की साइड में, जिसमें चढ़े थे उसी में वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि इधर से हम लोग का गांव पास पड़ेगा, इसी रास्ता से होकर के अपन लोग जाएंगे। तो दोस्तों यहां से हम लोग का जसपुर 10 किलोमीटर है और निरंतर अभी पानी नीचे की और काफी तेज रफ्तार से बहता हुआ। तो चलिए अभी घर चलता हूं मैं अपना गांव, क्योंकि शाम हो चुका है, अभी लगभग कितना बज गया, 4:24 हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों से मैं बहुत ही जल्द मिलता हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहाँ पर समाप्त करते हैं।